हेलो गाइस, किस आप सभी लोग। और गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी को स्वागत है। आज के वीडियो के अंदर मैं आज आपको वीवो का एक थीम देने वाला हूँ, नया थीम। और इसमें आपको नया चार्जिंग एनिमेशन भी मिल जाता है, बहुत ही फैंटास्टिक थीम होने वाला है। इसलिए गाइस, वीडियो को स्किप मत करना और आप वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो अभी बहुत लेट में आ रहा है। तो आपका एक लाइक आपको फ्यूचर में बहुत कमाल का थीम ला के देगा, तो यार इसीलिए लाइक कर दो। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों, यहाँ पे देखो तो थीम के इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, और ये वही जिस सिंपल सी KWZT के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। एंड मेरे को पता है बहुत लोग बोलते हैं कि भाई KWZT हम नहीं कर पाते हैं, क्या होता है। और आप डायरेक्टली मेरे को टेलीग्राम में बात कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली सेंड कर देता हूँ। बहुत लोगों को मैंने सेंड किया भी है, तो यार जिनको पता है तो ऑब्वियसली उनको पता है। और गाइस, इसका आइकन देखते हो तो इस तरह कुछ आपको आइकन्स देखने को मिल जाता है इस थीम के अंदर। और इसमें आपको देखते हो तो इस तरह का विजेट देखने को मिल जाता है। नोटिफिकेशन पैनल आपको नॉर्मल मिलता है, इसीलिए क्योंकि आपको नॉर्मल बहुत ही एलिगेंट लगता है यार, इसीलिए यार मैंने इस तरह का नॉर्मल रखा है। बात करें लॉक स्क्रीन गाइस, लॉक स्क्रीन का इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। और सिंपल से यहाँ पे आपको डबल टैप करेंगे सेटिंग्स पैनल, सेटिंग्स आइकन के अंदर, और इस तरह कुछ आपको आइकन शो हो जाएगा। और यहाँ पे आपको चार्जिंग एनिमेशंस को ऑफ एंड ऑन कर सकते हो। और यहाँ पे क्लॉक वेजेस को जो भी यहाँ पे है उसको आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, पोजिशंस वगैरह चेंज कर सकते हो। ये भी आपको इस लॉक स्क्रीन के अंदर सपोर्ट करता है। बात करते हैं सेटिंग्स पैनल की। दोस्तों, सेटिंग्स पैनल का इस तरह का आपको वीवो का जो भी इस तरह का मिल जाता है डिफॉल्ट, इस तरह का आपको सेटिंग्स पैनल देखने को मिल जाता है इस थीम के अंदर। एंड बहुत ही कूल आपको यहाँ पे सेटिंग्स पैनल देखने को। साथ साथ बात करते हैं यहाँ पे फाइल मैनेजर की। तो दोस्तों, फाइल मैनेजर के इंटरफेस भी कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इस तरह कुछ आइकन से यहाँ पे आपको मिल जाता है, लेटेस्ट आइकन जो भी है, तो इस तरह का आपको इंटरफेस मिल जाता है। और जो भी डायलर वगैरह है वो आप यहाँ पे मॉडिफाइड देखने को मिल जाता है। जैसे आप अप्लाई करेंगे, आपको सभी चीज़ आपको इंटरफेस देखना स्टार्ट हो जाएगा, आराम से आप उसको यूज़ कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं थीम को कैसे डाउनलोड कर रहे हैं और इसको कैसे यूज़ करना है। दोस्तों, थीम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, यदि कोई प्रॉब्लम देखने को मिलता है एंड आप फीडबैक जरूर दे सकते हो नीचे आपको कमेंट बॉक्स के अंदर। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक सब्सक्राइब कर देना जरूर। ओके, चलिए बात करते हैं थीम का इंटरफेस कैसा है और साइज़ कितना है और उसको कैसे डाउनलोड करना है और स्टॉप लाइक दैट। तो थीम का जो साइज़ देख सकते हो, इस तरह कुछ थीम का साइज़ है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 8.4 MB का साइज़ है थीम का, और ज़्यादा कुछ यहाँ पे बड़ा थीम नहीं है। ठीक है, तो सिंपल से बहुत ही छोटा सा थीम है, बहुत ही लाइट वेट थीम है। और चार्जिंग एनिमेशन तो आपने इस तरह का देख लिया, आप जैसे चार्ज में लगाओगे तो एनिमेशन होगा एंड दे सकते हो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो आप यहाँ पे सभी चीज़ देख सकते हो। थीम इंस्टॉल करने से पहले इंटरफेस आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल से ट्राइड बटन में क्लिक करना है। एंड गाइस, बता देता हूँ जो भी रियल में 2.0 यूज़ करते हैं उनका काम कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं काम कर रहा तो बताना है आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है एंड इसका क्या सीन है। हम देखते हैं कुछ हो सके तो, ठीक है, किसके काम कर रहा है किसमें काम नहीं कर रहा है, तो प्रॉब्लम ये हो रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखो, यहाँ पे आपको 5 इंच का ट्रायल को बाईपास करना होगा, देन आप इस थीम को परमानेंटली यूज़ कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे आईमोड प्रो ओपन करना होगा। आईमोड प्रो आपको पता नहीं है तो आईमोड प्रो सिंपल से वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो, आईमोड प्रो क्या होता है एंड इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सिंपल से उसको ओपन करना है, एंड जैसे ही आप ओपन करते हो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिल जाता है आईमोड प्रो का। तो यार, आईमोड प्रो को अभी सिंपल सी यहाँ पे जो ऊपर का बटन दिख रहा है ब्लू कलर का, ठीक है, तो उसमें आपको क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे, डबल टैप करेंगे एंड ये जो पॉपअप आ जाएगा नीचे, एंड पॉपअप नहीं आएगा, और दो बार क्लिक टैप कर देंगे तो यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा। ये जो थीम है देख सकते हो, 5 मिनट्स के लिए आपका जो प्रॉब्लम था वहाँ पे सॉल्व हो चुका है, और इस थीम को आप डेली बेसिस में यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा गाइस। एंड गाइस, आपको यदि कुछ फीडबैक देना है या फिर कुछ सजेशंस देना है, कमेंट बॉक्स खोला है आप सभी के लिए, आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर करना जरूर आपके दोस्तों के साथ, जो भी थीम यूज़ करते हैं, वीवो का थीम यूज़ करना चाहते हैं वो भी यूज़ कर पाएंगे। नया इंटरफेस है और बहुत दिन के बाद वीडियो आ रहा है, तो इसलिए सब्सक्राइब और शेयर तो आग जैसा कर दो यार, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे अब तक यार। बस वीडियो में इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।